गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर सामना में एक लेख लिखा गया है। तो आपको बता दें, तो गांधी परिवार के एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर सामना में लेख, सुरक्षा व्यवस्था की राजनीति, खतरे की घंटी। तो मैडम सोनिया प्रियंका राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है। गृह मंत्रालय का फैसला है कि गांधी परिवार को अब कम खतरा है। कांग्रेस या गांधी परिवार से राजनीतिक विवाद, मतभेद हो सकता है, तो नेहरू खानदान से पिछले 5 साल में ये वैर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। परिवार की सुरक्षा हटा ली गई और संसद में बोलने तक नहीं दिया गया। गांधी परिवार के सुरक्षा काफिले में पुरानी गाड़ियां भेजने की खबर भी चिंताजनक है। तो पीएम, गृहमंत्री, सत्ताधारी नेता सुरक्षा का पिंजरा छोड़ने को तैयार नहीं। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां का महत्व कम नहीं हुआ है। तो नेहरू खानदान से पिछले 5 साल में ये बैर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो ये सामना के लेख में लिखा गया, परिवार की सुरक्षा हटा ली गई और संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। गांधी परिवार के सुरक्षा काफिले में पुरानी गाड़ियों को भेजने की भी खबर है। पीएम, गृहमंत्री, सत्ताधारी नेता सुरक्षा का पंजा छोड़ने को तैयार नहीं। तो गांधी परिवार के एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर सामना में ये लेख, जो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सामना में जिस किस तरह से इस लेख को लिखा गया है, तो मैडम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की एसपी सुरक्षा को हटा लिया गया। और उसके पीछे तर्क गृह मंत्रालय का है कि गांधी परिवार को अब कम खतरा है, तो कांग्रेस या गांधी परिवार से राजनीतिक विवाद, मतभेद हो सकता है। तो नेहरू खानदान से पिछले 5 साल में ये बैर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो ये सामना में इसका जिक्र किया गया। तो जिस तरह से गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाई गई और इस बिल को बदलाव करते हुए संसद के पटल में रखा गया, उसके बाद सामना में एसपीजी बिल को लेकर, और जिस तरह से गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा को हटाया गया है, खतरे की घंटी उन्होंने बताया। तो गांधी परिवार की सुरक्षा एसपीजी से हटाई गई, तो सुरक्षा व्यवस्था की राजनीति, खतरे की घंटी। तो सामना के लेख में इसका जिक्र और खतरे की घंटी इसको बताया गया है। तो जिस तरह से गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा को हटाया गया है, उस पर सवाल खड़े करते हुए सामना में जिक्र किया गया कि खतरे की घंटी। तो नेहरू खानदान से पिछले 5 साल में ये बैर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। परिवार की सुरक्षा हटा ली गई और संसद में बोलने तक नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें सामना के इस लेख में। तो पीएम, गृहमंत्री, सत्ताधारी नेता सुरक्षा का पिंजरा छोड़ने को तैयार नहीं है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का महत्व कम नहीं हुआ है।